मेरी बाबू की एक बार फिर फिसली जुबान, मेरी बाबू ने सारी मर्यादाएं लांघते हुए नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। मोदी के खिलाफ बेनी बाबू ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। बेनी प्रसाद वर्मा मिर्जापुर के चुनार थाना इलाके में एक स्टील फैक्ट्री का उद्घाटन करने के दौरान सभा को उन्होंने संबोधित किया। बाबू सिंह कुशवाहा का परिवार समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव 2014 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी की यह रणनीति पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए मानी जा रही है। बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी सुकन्या कुशवाहा के साथ बाबू सिंह के भाई शिव शरण कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीएसपी से सियासत की शुरुआत करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा की पिछड़े वर्ग में खासकर कुशवाहा मौर्य बिरादरी में पैठ है। कुशवाहा का परिवार जन अधिकार मंच के जरिए राजनीति में सक्रिय था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। मोदी पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के छात्रों को संबोधित करेंगे। मोदी कार्यक्रम के विषय यूथ न्यू एज वोटर्स ही नहीं है बल्कि वो न्यू एज पावर है पर छात्रों से जो जुड़ेंगे। छात्रों को संबोधित करने के बाद मोदी छात्रों से संवाद भी करेंगे। मोदी अपने कार्यक्रम से पहले कॉलेज के हॉस्टल के उस कमरे का भी अवलोकन करेंगे जिसमें वीर सावरकर रहा करते थे। मोदी का ये कार्यक्रम यूथ पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष बनने के बाद मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे। मोदी का पुणे में इसके अलावा दो और कार्यक्रम है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी दिल्ली के SRCC यानी कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों को संबोधित कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और पार्टी प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को बेहतर तरीके से लागू करने के तरीकों पर विचार किया गया। खाद्य सुरक्षा पर बैठक के बारे में हरीश रावत ने कहा कि इसके जरिए गरीबों को सस्ते में अनाज मिलेगा। भोजन गारंटी अध्यादेश को कांग्रेस आम चुनाव के मद्देनजर गेम चेंजर के तौर पर देख रही है। बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा पर फिर दोहराया है कि यह सरकार का जल्दी में उठाया गया कदम है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चिंता जताई है कि सरकार जितनी जल्दी में है कि उसे देश का भला होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। राहुल गांधी पीएम पद का उम्मीदवार होंगे या नहीं, कांग्रेस इस पर फैसला करेगी। पार्टी नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि राहुल के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। पीटीआई के हवाले से खबर। राहुल गांधी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि उम्मीदवार घोषित करने के बाद कहीं राहुल एक्सपोज न हो जाए। झारखंड में जेएमएम के हेमंत सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल सैयद अहमद ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हेमंत सोरेन के साथ ही कांग्रेस के नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह और आरजेडी की नेता अन्नपूर्णा देवी ने भी मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। झारखंड बनने के बाद 13 साल के से भी कम समय में 9वें मंत्रिमंडल की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन के सामने कई चुनौतियां हैं। झारखंड विधानसभा में जेएमएम के 18 और कांग्रेस के 13 सीटें हैं। गठबंधन और कुछ आरजेडी और निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है। बीजेपी जेएमएम सरकार के गिरने के बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था जो 18 जुलाई को समाप्त हो रहा था, लेकिन इससे पहले ही जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की झारखंड में सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले समेत आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके, हल्की तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई है। भूकंप स्थानीय समय अनुसार बीती रात 11:20 पर आया। कांगड़ा में था भूकंप का केंद्र। भूकंप के झटके धर्मशाला, पालमपुर, ज्वालामुखी और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर तक लोगों में भय का माहौल रहा। हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके से लोग घबरा गए हैं। जाने माने फिल्म अभिनेता और बॉलीवुड के खलनायक प्राण का मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई के लिए लवली अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी।
कलाकार साहब की जाए से बॉलीवुड में उनकी जगह हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गई है, जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। प्राण साहब को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था। प्राण साहब के साथ काम कर चुके और जिन लोगों ने उन्हें पर्दे पर देखा है, उन्होंने आखिरी बार सलाम पेश किया। प्राण को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजा मुराद, डैनी, अनुपम खेर समेत तमाम सितारे पहुंचे। प्राण ने शुक्रवार रात 8:30 पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनको हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री ने प्राण के निधन पर शोक जताया है। मनमोहन सिंह ने शोक जताते हुए उनके परिवार को सांत्वना दी और कहा कि देश ने आइकन खो दिया है। प्राण के निधन पर शोक जताते फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन जैसे अभिनेता उनके बीच था। प्राण की जगह कोई नहीं भर सकता। प्राण के निधन पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर ने भी शोक जताया। राज ने कहा कि प्राण साहब हसमुख इंसान थे, उन्होंने हजारों लोगों को सिखाया। प्राण के निधन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि प्राण को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने का उन्हें अवसर मिला है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि प्राण साहब के बिना बॉलीवुड के बारे में सोचना असहज लगता है। वो मैजिशियन थे जिन्होंने पर्दे पर कई दमदार किरदार निभाए। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्राण के निधन पर शोक जताया है। रामदेव ने कहा है कि 9 साल पहले वो प्राण से मिले थे। ऐसा हंसमुख इंसान कम ही होता है। प्राण को अंतिम विदाई देने बॉलीवुड के चंद सितारे ही पहुंचे। अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि अगर जश्न का मौका होता तो सभी आते। भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने प्राण के निधन पर शोक जताया है। शोक जताते हुए कहा कि देश ने एक महान कलाकार खो दिया है। वो हम सबके बीच हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने फिल्म अभिनेता श्री प्राण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा को शांति की कामना की है। कहा कि प्राण के निधन से सिने जगत के एक महान कलाकार खो दिया है। शाहरुख खान ने ट्विटर के माध्यम से प्राण के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा है, वो एक महान कलाकार थे, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। शाहरुख अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। अगले महीने वाराणसी के घाट पर शूट होने वाली फिल्म शोषण द टॉर्चर के लिए लोकेशन हंट पर पहुंचे प्रोड्यूसर और अभिनेता अरुण पाठक ने पूरी स्टार कास्ट के साथ मिलकर प्राण साहब को श्रद्धांजलि दी और अपनी फिल्म उन्हीं के नाम समर्पित की। शोषण द टॉर्चर की शूटिंग अगस्त के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाली है, जिसके लिए अभिनेता हेमंत बिरजे भी लोकेशन हंट के लिए पहुंचे थे। तभी उन्होंने प्राण साहब के निधन की खबर उन्हें मिली। फिल्म समाज की कुरूतियों पर आधारित इस फिल्म को समर्पित किया गया है प्राण साहब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि अगर 15 जुलाई तक उत्तराखंड में मिसिंग लोग अपने घर नहीं पहुंचे तो सरकार उन्हें मृत मान लेगी। प्रलय में खोए हुए लोगों की तलाश का काम अभी भी जारी है। उत्तराखंड सरकार के ऐलान से भोपाल में रहने वाला शर्मा परिवार मुसीबत में आ गया है। इस परिवार के 17 लोग हादसे में लापता हैं। शर्मा परिवार को उम्मीद है कि इनके लोग जरूर वापस आएंगे। अहमदाबाद में आनंद जिले के खेड़ा गांव की रहने वाली हिना पटेल कलयुग की सावित्री साबित हुई हैं। केदारनाथ की तबाही में लापता पति की तलाश में खुद ही निकल पड़ी। 22 दिनों तक तलाश करने के बाद पति को लेकर वापस घर लौटी। केदारनाथ में आई भयंकर तबाही में हिना के लापता पति को सभी ने मरा मान लिया था, लेकिन पत्नी ये बात मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए हिना खुद ही पति को खोजने हरिद्वार जा पहुंची। 22 दिनों तक तलाश करने के बाद पति को ढूंढ निकाला। जल प्रलय और तबाही के बाद अब बद्रीनाथ के पास अलकनंदा नदी में एक झील बन गई है। चमोली जिला प्रशासन ने लोगों को किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली 7 जन्मों के बंधन में बंधे। श्वेता तिवारी ने दूसरी शादी की है। दोनों पिछले तकरीबन 3.5 सालों से एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे। श्वेता तिवारी की अभिनव कोहली संग धूमधाम से हुई शादी। छोटे पर्दे की कई हस्तियों ने शिरकत की। हाल ही में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के स्टेज पर श्वेता ने अभिनव के साथ अपनी शादी करने का ऐलान किया था। बिग बॉस सीजन 4 जीतने के बाद
श्वेता ने दोबारा शादी करने की इच्छा जताई थी। श्वेता की बेटी पलक भी इस शादी से काफी खुश है। अभिनव कोहली के साथ श्वेता तिवारी की ये दूसरी शादी है। श्वेता ने अपनी पहली शादी महज 18 साल की उम्र में भोजपुरी अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर राजा चौधरी से की थी।